ईश्वर। विंध्य पर्वत को एक बार ये भ्रम हो गया था कि उससे विशाल कुछ भी नहीं। देवर्षि नारद नारायण का नाम लेते लेते विंध्य पर्वत पहुंचे तो विंध्य ने उनसे अपनी मन की बात कह दी। नारद ने भांप लिया कि उन्हें अहंकार के आकाश से धरती पर लाने की आवश्यकता है। अतः नारद ने उन्हें अपनी विधि से दिशा दिखाने का निर्णय लिया। उत्तम, अति उत्तम। यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है तो अति उत्तम। केवल एक समस्या है। समस्या? हाँ, ये कहने में मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है कदापि, किंतु सबसे विशाल पर्वत तुम नहीं हो। संभव है कि मेरा ये कथन सत्य ना हो, किंतु नहीं देवर्षि, आप सदैव सत्य ही कहते हैं। कृपया करके मुझे बताइए कि मुझसे भी अधिक विशाल पर्वत कौन सा है। मेरू पर्वत। मेरू? यदि मैं सबसे विशाल नहीं तो बन तो सकता हूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए, कोई युक्ति बताइए मुझे। नारायण नारायण, मुझे आपको सत्य बताना नहीं चाहिए था। कितने व्याकुल हो गए हैं आप, आपकी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। देव ऋषि, कृपया विलंब ना कीजिए और मुझे बताइए इस सृष्टि का सबसे विशाल पर्वत बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। देखिए, ये तो तभी हो सकता है जब आप पर किसी की कृपा दृष्टि हो, आपको कोई वरदान प्राप्त हो। तो बताइए किसकी आराधना करूं मैं? मैं अवश्य करूंगा, पूरी निष्ठा से करूंगा, पूरी श्रद्धा से करूंगा। तो आप महादेव की तपस्या कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। नारायण नारायण। और इस प्रकार देवर्षि नारद ने विंध्य को महादेव की आराधना करने हेतु प्रेरित किया। नारद विंध्य को महादेव की आराधना करने हेतु प्रेरित नहीं करता, ऐसे कैसे हो सकता था। विंध्य ने महादेव की आराधना आरंभ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विंध्य ने महादेव की कठोर तपस्या की और महादेव प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। उठो विंध्य। तपस्या सफल हुई ना? हाँ विंध्य, तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल हुई। मांगो मनवांछित वरदान, मांगो। प्रभु, मैं आपकी कृपा से विशाल तो हूं, पर मैं सबसे विशाल बनना चाहता हूं। मेरी ऊंचाई किसी को भी प्राप्त ना हो, मेरा शिखर सबसे ऊंचा हो। किंतु क्यों विंध्य, तुम तो इस संसार के सबसे विशाल पर्वतों में से एक हो। यही तो प्रभु, मैं विशाल पर्वतों में से एक नहीं, सबसे विशाल बनना चाहता हूं। यदि आप मुझे ये वरदान नहीं देंगे तो कोई बात नहीं प्रभु, मैं वर्षों वर्षों तक ये तपस्या करता रहूंगा और एक न एक दिन आपको पुनः यहां आना ही होगा। उत्तम।
कातिल होता हूं। ये हुई ना बात विंध्या, उसके बाद क्या हुआ ऋषि प्रहलाद? उचित है विंध्या, तुम कितने विशाल होना चाहते हो? मैंने कहा ना प्रभु, सबसे विशाल। किंतु आज मैं भले सबसे विशाल पर्वत बन जाऊं, पर कल कोई मुझसे भी बड़ा हो जाएगा। प्रभु आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी विशालता बढ़ा सकूं, उसकी कोई सीमा ना हो। उचित है बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित वरदान अवश्य दूंगा, किंतु मेरा एक कथन स्मरण रखना। इस सृष्टि में सबके आकार का अपना महत्व होता है, अपनी उपयोगिता होती है। तुम्हें सुनिश्चित करना होगा विंध्य कि तुम्हारे किसी भी कृत्य से इस संसार के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अवश्य प्रभु, इस संसार में एक पर्वत की विशालता से कोई संकट कैसे आ सकता है प्रभु? प्रभु प्रभु वरदान देने में अब विलंब ना कीजिए। अवश्य विंध्य, जैसी तुम्हारी इच्छा, तथास्तु। हमें लगता है कि आक्रामक होने से हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। अहंकारी को केवल उसका अहंकार दिखता है, सत्य नहीं। चाहे वो कीटक हो या पर्वत, मनुष्य हो या महादानव, उसकी चेतना की विशालता का उसकी शरीर की विशालता से कोई संबंध नहीं होता। विंध्य पर्वत ये समझ नहीं पाया, वो विशाल होता गया। और शीघ्र ही पृथ्वी पर सबसे विशाल हो गया। किंतु उसके मन में आया कि कहीं दूसरी ओर मेरु पर्वत भी वरदान पाकर बड़ा हो गया, तो फिर वो और विशाल होता चला गया। और अंत में इतना विशाल हुआ कि पृथ्वी पर उसका भार असह्य हुआ। मां, मां पर मां ने क्या किया? केवल पृथ्वी देवी ही नहीं, अभी तो इंद्रादि देवता भी महादेव के पास पहुंच गए। प्रभु, विंध्य ने इतना विशाल रूप धारण कर लिया है कि उसके भार को सहन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। प्रभु, शीघ्र विंध्य के लिए पृथ्वी पर कोई स्थान नहीं रहेगा। अब तो मुझे भी भय हो रहा है कि कहीं मैं विंध्य के शिखर से टकरा ना जाऊं। मुझे भी यही भय है प्रभु। ये आपने कैसा वरदान, कैसा अद्भुत वरदान दिया है आपने प्रभु। यदि वरदान इतना अद्भुत है तो निहित उद्देश्य भी अवश्य ही होगा। किंतु प्रभु, अब बाण तो निकल चुका है, अब क्या होगा? अब समय आ गया है। आज्ञा दीजिए प्रभु, क्या करना होगा? विंध्य को और विशाल बनना होगा। किंतु देवराज, जो बाण निकल चुका है उसे वापस खींचा नहीं जा सकता, किंतु फिर भी दिशा तो दी जा सकती है।
नारायण नारायण। अद्भुत बन गया ना सबसे विशाल। हाँ हाँ विशाल तो अवश्य, किंतु सबसे विशाल कहना उचित होगा या नहीं ये तो क्यों मुझसे अधिक विशाल कौन है इस पृथ्वी पर? विंध्य अब तुम केवल पृथ्वी पर नहीं रहे, तुम्हारी विशालता आकाश तक पहुंच गई है, इसलिए तुलना के मापदंड परिवर्तित हो गए हैं। अब केवल पृथ्वी को मत देखो, देखो तो इन ग्रह नक्षत्रों को देखो, वो तो तुमसे विशाल हैं। और फिर त्रिदेव, त्रिदेव तो, और त्रिदेवों में महादेव। सब कहते हैं कि महादेव से विशाल कुछ भी नहीं है। उचित कहते हैं आप देवर्षि, मैंने तो इस पर विचार ही नहीं किया था। मुझे सबसे बड़ा होना है, महादेव से भी विशाल। नारायण नारायण। और इस प्रकार विंध्य का आकार सबसे विशाल हो गया। फिर विंध्य ने ऊपर देखा, मुझसे भी ऊपर ये क्या दिख रहा है? समान भी नहीं हूं। संभव कैसे है ऋषि विप्लात? तुम यह कहना चाह रहे हो कि समस्त सृष्टि महादेव के रुद्राक्ष के अंदर है? ये तो मैं नहीं जानता, मैं वहां